के लिए हो गया टाटा चले चल। मुझे स्ट्रॉबेरी ये वाले चाहिए। रखो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे ख्याल में कोई दोपहर हो रही है, बज रहे होंगे 2 और मैं कर रही हूँ अभी बाहर जाने की तैयारी। तो काफ़ी टाइम हो गया बच्चों के साथ, मतलब अकेले एक्सप्लोर नहीं किया। पहले तो होता था मैं इतना बाहर जाती थी, क्योंकि पहले मैं सोशलाइज ज़्यादा थी, क्योंकि दोस्तों का एक अच्छा बड़ा ग्रुप था और फिर आना जाना लगा रहता था। फिर जाहिर है बहुत सारे अब्रॉड चले गए, बहुत सारे दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गए। मैं दूसरे जब आहिल हुआ उसके बाद मैं आहिल में लग गई, क्योंकि पहले आहिल नहीं था, सिर्फ नाहिल ही था। सो अब आप देखें मेरे फेस में आप लोगों को काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो चेहरा है वो पहले से कितना, मतलब जो मेरा फेस फैट था कितना रिड्यूस हो गया। इवन मेरी नाक भी देखें शेप में आ गई है। तो ये सारी वीडियोस तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, वेट लॉस की पूरी सीरीज़ शेयर कर रही हूँ, आगे भी करूँगी ताकि आपको हेल्प आउट हो सके इन सब चीज़ों से। कभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया मेकअप जब मैं कर रही होती हूँ। वैसे तो मैं मेकअप करती नहीं, आप लोगों को पता है जैसा मेरा थोबड़ा है मैं वैसे ही हमेशा वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि हम यूजली घर में ऐसे ही होते हैं, विदाउट मेकअप ही होते हैं। और इवन मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मेकअप करके जाती हूँ। पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मैं ज़्यादा इन भी थी लाइक इन सब चीज़ों में। मैं फेसबुक पे डिफरेंट मेकअप ग्रुप्स में लाइव सेशंस भी किया करती थी, और फिर मैंने ट्रेनिंग्स भी इतनी सारी जगहों से ली हुई थी, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है मेरे पास। और क्योंकि मैं बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो फिर वो आहिल के बाद से छोड़ ही दिया सब कुछ, इसीलिए आज मैं थोड़ा बहुत ज़रा कर रही थी मेकअप। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैं टोटल 4 से 5 चीज़ें, 6 चीज़ें लगाती हूँ, फाउंडेशन, ब्लशन और जी लिपस्टिक। वैसे तो मैं टिंट लगाती हूँ, लिपस्टिक मैं कम लगाती हूँ, साथ में मस्कारा और आपका जो है क्या कहते हैं यार, आईब्रो पेन, ये 5-6 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखें मैंने स्मॉल साइज़ पहना हुआ है, तो अब मुझे जो ये वाला कुर्ता ये भी लूज़ है, जबकि ये नया कुर्ता मैंने बाय किया था। तो मैं पहले मैं पहनती थी एक्स्ट्रा स्मॉल, इवन नाइल के टाइम तक मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिल के बाद से लाइक जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर आहिल, फिर उसके बाद तो बस मैं मोटी होती गई होती गई। फिर मैं मीडियम टू लार्ज कुर्ते, मतलब अपने कपड़ों के साइज में पहनना स्टार्ट हो गई थी। और चेहरे का सीन मैं आपको बताऊं, देखें बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनका जो फेस फैट होता है ना वो बहुत स्टबन होता है, और हर एक की बॉडी फिजिक्स डिफरेंट होती है। कुछ का जो मोटापा है ना वो लोअर बॉडी पे आता है, कुछ का हाथों पे आ जाता है, आर्म्स पे, आर्मपिट पे, और कुछ का फेस पे आ जाता है, और कुछ का नेचुरली बड़ा होता है। कुछ के लंबे चेहरे होते हैं, राउंड होते हैं, जैसे कि मेरा लंबा चेहरा है, और जब मेरे फेस पे फैट आता है तो वो बहुत प्रोमिनेंट होता है कि अगर मेरी बॉडी छोटी भी होगी ना तो मेरा फेस बड़ा लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मोटी हूँ। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सीन होता है। तो अभी बस हम चलते हैं मॉल की तरफ, मैं जोएब हमें ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ ज़रा खाएं पिएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं जब चीट डे मना रही होती हूँ या मुझे बाहर जाना होता है तो मैं अपना दिल कभी नहीं मारती, मैं अपनी सारी चीज़ें खाती पीती हूँ, पर उसकी क्या लिमिट होती है, आज मैं जो चीज़ें खाऊँगी उसमें कितनी कैलोरीज होंगी। क्योंकि हमें हमारी बॉडी को दिन में 1200 से 1300 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती ही हैं आपको ज़िंदा रखने के लिए, चलने फिरने के लिए। आपकी आपका पेट में इतना जाना चाहिए ही चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि इट्स वेरी टू मैन टू वुमेन, और कहते हैं कि औरतों का जो होता है वो 1800 कैलोरीज से लेके अप टू 2200 तक जो है वो चाहिए होती है, पर जो मिनिमम साइड है वो 1200 है 1300 है। तो आपने उतना लेना ही है, अगर आप उससे कम लेंगे तो ऑब्वियसली आप वेट लूज़ भी करेंगे। ज़ाहिर है आप जब कम खाएंगे, अपनी पूरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपका वेट मतलब गिरेगा।
तो अभी यहाँ पे टाटा बाय बाय हो रहा था, अपने अब्बा को अल्लाह हाफिज़ किया जा रहा था, सी ऑफ कर रहे थे ताकि इनके अब्बा चले जाएंगे। तो जब भी इनके अब्बा जाते हैं तो बच्चों का हग करना और किस करना मस्ट होता है, तो आज ये लोग प्रॉपर हग और किस नहीं कर पाए क्योंकि अब्बा ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। और लकी वन में क्या होता है, आपने बस जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ से निकालनी होती है, वरना गार्ड मना करते हैं कि ज़्यादा देर यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, क्योंकि पीछे वाले गेट से सब गाड़ियाँ अंदर आ रही होती है ना, तो इसीलिए आप ज़्यादा देर इस साइड पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि फिर पीछे वाली गाड़ियों को जगह नहीं मिलती। तो ये एक राउंड अंदर का बना हुआ है कि बस आपने उतार के और आप निकल गए, या अगर आपने नीचे पार्किंग में जाना है तो बस हम अंदर आ गए। और अब हम जाएंगे फूड कोर्ट की तरफ। आज मेरा कुछ शॉपिंग वॉपिंग का सीन नहीं था, हम स्पेसिफिकली खाने ही आए थे और मुझे अपनी दोस्त से भी मिलना था, तो यहाँ बैठ के हमने बातें शाते गप्पे वप्पे मारने थे, तो इसीलिए। और मैंने केक ले लिया, ये कारफोर का केक इतना मज़े का केक है, मैंने सोचा मैं उसे भी टेस्ट कराऊंगी और उसको भी बहुत पसंद आया था। लास्ट टाइम जब हम आए तो उसके प्राइस कम थे और इस बार जब हम आए तो उसके प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन हर चीज़ के जो प्राइजेज़ हैं ना वो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाते हैं। तो आज हमारा जो है ना मी टाइम है, मेरे बच्चों का, मेरा, और ऐसा मी टाइम ना सिर्फ लाइक अब्बाओं के बगैर वाला मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। उससे पता चलता है कि आपकी अपनी स्पेसिफिकली बच्चों के साथ कैसी बॉन्डिंग है, और बच्चे आपकी कंपनी कैसे एंजॉय करते हैं, और आप अपने बच्चों की कंपनी कैसे एंजॉय करते हैं। और आहिल माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करता जब ये साथ जाता है ना बाहर, ये एक्सप्लोर करता है, बस डर लगा रहता है क्योंकि इस बच्चे को हर चीज़ एक्सप्लोर करने की आदत है। तो थोड़ा बहुत जो है ना मैं डर जाती हूँ क्योंकि ये जो है ना इधर निकल रहा है कभी उधर निकल रहा है, पर इस बच्चे में ये आदत है कि इसको कहो कि मामा के साथ रहो तो मामा के साथ रहेगा, भाई के साथ बोलो कि रहो तो भाई के साथ रहेगा। सो यहाँ पे मेरी दोस्त आ गई थी, अब वो केक टेस्ट कर रही थी, तो उसको भी बड़ा ही कोई ज़बरदस्त लगा। ये बहुत मज़े का केक होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी ना लकी वन वाले कारफोर आएँ। आपको मैं कैलोरी काउंट बता रही हूँ कि जो जो चीज़ें ऑर्डर करी थी, चाइनीज़ पिज़्ज़ा, वन पेस्ट्री और साथ में एक कप चाय, मीडियम कप चाय जो होती है ना उसके अंदर 60 कैलोरीज होते हैं। एक पिज़्ज़ा के स्लाइस में जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है उसके स्लाइस में जो है ना 285 कैलोरी होते हैं। अगर आप खाते हैं जी एक केक पूरी पेस्ट्री खाते हैं तो वो 60 कैलोरी की होती है। अगर आप पूरी एक पेस्ट्री खाते हो, मैंने सिर्फ 2-3 स्पून खाए थे और मैंने राइस के भी 2-3 स्पून खाए थे, तो राइस का पूरा कैलोरी काउंट नहीं बता रही क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी यू टेक कि आप कितना खा रहे हैं। और साथ में जो चाय होती है मीडियम साइज़ का कप जो हमने लिया हुआ है उसकी भी ऑलमोस्ट 60 कैलोरी बनती है। तो सुबह भी मैंने नाश्ता कोई ज़्यादा खास नहीं किया था, चाय पी थी और थोड़ी सी निम्को खाई थी, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी, फिर मैं यहाँ आ गई। और रात में भी मैंने जो खाना खाया वो 200-300 कैलोरी होगा, तो आज का मैंने टोटल जो है ना 800-850 कैलोरी ली, 1200 भी नहीं ली। तो अगर आप इस तरह से अपना थोड़ा बहुत कैलोरी काउंट करके चलेंगे ना तो आपको चीज़ों का अंदाज़ हो जाएगा, आप मज़ेदार सा खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, प्लस आप अपनी कैलोरी को भी मेंटेन करके चल सकते हैं जिससे आपका वेट लूज ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो मतलब मैंने 1200 भी कैलोरी जो मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो नहीं ली, और मैंने कम कैलोरी ली तो इसका मतलब है कि मेरा वेट जो है ना वो बढ़ने की साइड पर नहीं जाएगा, वो कम होने की साइड पर ही आएगा। कुछ इस तरह से आज का मैंने दिन गुजारा, खा पी के मौज करके मस्ती करके, और मेरे कैलोरी भी जो है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा गेन नहीं करी, मतलब मैंने कम ही ली, तो इसीलिए आज का दिन जो है ना बड़ा सक्सेसफुली गुजरा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलें टाटा बाय बाय।